दोस्तों, आज मैं आपसे एक बड़े ही करंट टॉपिक्स पर आपसे चर्चा करने वाला हूं। पेपर के कटिंग के अनुसार अमेरिका के गूगल्स कंपनी के 600 से ज़्यादा कर्मचारियों ने अनिवार्य टीकाकरण का विरोध किया है। अमेरिकी प्रशासन ने गूगल कंपनी को ये हिदायत दी है और प्रायः ये हिदायत उनके यहाँ हर कंपनी जिसमें 100 से ज़्यादा कर्मचारी हैं उनके लिए था कि कंपनी अपने कर्मचारियों के टीकाकरण का एश्योर करें। ये प्रशासन का आदेश था। जैसा कि आप जानते हैं, यूएसए का गूगल दुनिया के सबसे प्रख्यात कंपनियों में है, सबसे बड़ी कंपनी है और अपने इंटेलिजेंसी के लिए जानी जाती है। उसको सर्च इंजन के रूप में जाना जाता है और कभी कभी हम लोग गूगल देवता के नाम से भी बोल देते हैं। वह इसलिए कि गूगल से जब जो भी प्रश्न आप पूछते हैं, जो कुछ भी जानना चाहते हैं, तुरंत जल्द एक्यूरेट और प्राय सारी सभी प्रश्नों का जवाब आपको मिल जाता है। दुनिया की एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसमें इस टाइप की सुविधाएं उपलब्ध है। अब प्रश्न ये उठता है कि गूगल जैसी कंपनी जिसमें दुनिया के सबसे शार्पेस्ट ब्रेन रखे गए हैं, दुनिया के सबसे तीव्र और तीक्ष्ण बुद्धि के लोग उसमें हैं, उसके एम्प्लाई कहना चाहिए कि विश्व के बेहतरीन ब्रेन के लोग उसमें कार्य करते हैं और उस एम्प्लाई के ग्रुप से 600 से ज़्यादा एम्प्लाई द्वारा यह घोषणा पत्र पर दस्तखत करके बताया गया है कि कंपनी अनिवार्य टीकाकरण की अनिवार्यता को समाप्त करे या वे लोग COVID-19 टीका को नहीं लेना चाहते। अब प्रश्न ये उठता है कि गूगल जैसे कंपनी में जहां दुनिया के सर्वश्रेष्ठ दिमाग जुटा हुआ है, वहां के लोग COVID-19 के टीके का विरोध क्यों करते हैं, इसका कारण क्या है, ये समझ में नहीं आता है। कोई सामान्य लोग नहीं है, वैसे ग्रुप में कोई सामान्य व्यक्तियों द्वारा विरोध नहीं है। तो जब गूगल के एम्प्लाई जो कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ दिमाग के लोग कहे जाते हैं, उनके द्वारा जब ये विरोध किया जाता है तो सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर इसमें बात क्या है। दोस्तों, आप लोग भी डिजिटल दुनिया में हैं, काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, देश दुनिया समाज विज्ञान को जानते हैं। आपसे भी हम इस विरोध का कारण जानना चाहेंगे, आखिर इसमें बात क्या है। निश्चित रूप से COVID-19 का टीका इस महामारी को रोकने के लिए है, जैसा कि बताया जा रहा है, परंतु वैसे लोगों द्वारा विरोध एक प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर खड़ा कर देता है। हम इस वीडियो के अंत में आपसे इस पर कमेंट जरूर चाहेंगे, अपना विचार दें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का विचार आमंत्रित हो सके। धन्यवाद।